अस्सलामु अलैकुम वीवर्स, कैसे हैं आप। तो वीवर्स, आपकी काफ़ी रिक्वेस्ट को मद्देनज़र रखते हुए ये इस वीडियो को बनाने जा रहा हूँ। तो वीडियोज़ का जो टॉपिक है वो ये है कि हम माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट कैसे बनाएंगे, वो भी इजीली, कुछ ही टाइम में। ज़्यादा देर नहीं लगेगी, सिर्फ आप कुछ ही मिनट में अपना अकाउंट को क्रिएट कर पाएंगे, ठीक है। वो भी आपको इंशाल्लाह वीडियोज़ में प्रॉपर तरीके से बताएंगे। बाकी ये है कि आप कहते हैं कि जब हम बिंग एप्लीकेशन को ओपन करते हैं तो हमें अकाउंट वेरिफिकेशन करना पड़ेगा जिसकी वजह से हम यूज़ कर पाएंगे। तो ऑलरेडी ये बिल्कुल ठीक है, आप सही फरमा रहे हैं। तो उसको लॉगिन करने के लिए आज मैं आपको वीडियो में बताने वाला हूं कि आप माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट कैसे क्रिएट करेंगे। तो वीडियो की जाने पड़ने से पहले आपसे मोहब्बत भरी गुजारिश है कि आप अगर हमारे चैनल पर न्यू हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि हमारी आने वाली लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको बआसानी मिल सके। तो हमने क्या करना है, अपने बिंग एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद ये कुछ इस तरह का इंटरफेस ओपन होगा। तो जो आपको ऊपर लॉगिन साइनअप का ऑप्शन नज़र आ रहा है, आपने इस पर क्लिक कर देना है और कुछ इस तरह का पेज ओपन हो जाएगा। तो आपने टॉप टू साइनअप पर क्लिक कर देना है। तो जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ आपको जो माइक्रोसॉफ्ट जो अकाउंट्स है साइनअप, आपने इस पर क्लिक कर देना है। आप जैसे इस पर क्लिक करेंगे, और नीचे मैंने पहले से ही एक अकाउंट लगा रखा था लेकिन आपकी रिक्वायर्ड्स को मद्देनज़र रखते हुए मैंने उसको हटा दिया, ठीक है। अब हम न्यू से अपना आपको करके दिखाने वाले हैं। तो आपने नीचे साइनअप विद अदर अकाउंट्स, ठीक है, आपने इस पर क्लिक कर देना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये न्यू पेज ओपन हो जाएगा, ठीक है, और आपने क्रिएट वन पे क्लिक कर देना है। नीचे जो आपको नज़र आ रहा है ना, आपने इस पर क्लिक कर देना है, ठीक है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो दोस्तों ये पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ आने के बाद आपने अपनी जो भी आपकी जीमेल है आपने यहाँ ऐड करनी है, ठीक है। अगर आपकी जीमेल ठीक बनी हुई तो ये एक्सेप्ट कर लेगा, जैसे कि मेरी काफ़ी जीमेल्स थी, ठीक है, मैंने यहाँ लगाई, मेरी एक जीमेल लग गई, ठीक है। अब मैं दूसरी ट्राई कर लेता हूँ, ठीक है। तो मैं अपनी जीमेल ट्राई करता हूँ, दोस्तों मैंने अपनी जीमेल को ऐड कर लिया है, ठीक है। यहाँ हम नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। जैसे हम नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे यहाँ क्रिएट पासवर्ड, ठीक है, यहाँ हमने अपना पासवर्ड अपना डालना है, वो आप अपनी मर्ज़ी से डाल सकते हैं, ठीक है। तो मैं अपना पासवर्ड डाल लेता हूँ। तो दोस्तों मैंने अपने पासवर्ड को लिख लिया, उसके बाद मैंने नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। जैसे हम नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे यहाँ हमने फर्स्ट नेम और लास्ट नेम जो है देना है, ठीक है। मैं यहाँ अपना फर्स्ट नेम दे देता हूँ, उसके बाद यहाँ आपने सेमिनार जो ने है सरनेम दे देना है। तो मैं अपना सरनेम दे देता हूँ, अपने वालिद साहब का नाम दे देता हूँ। उसके बाद मैंने नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। जैसे हम नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे यहाँ हमने कंट्री जो है सिलेक्ट करनी है, जिस भी कंट्री में आप हैं, ठीक है। और मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ पाकिस्तान, ठीक है, आई लव पाकिस्तान। तो उसके बाद मैंने क्या करना है, यहाँ अपनी डेट ऑफ बर्थ जो है मैंने सेलेक्ट कर लेनी है। यहाँ मैं जो भी अपना चूज़ कर लूँ, क्या मायने रखता है, ठीक है। उसके बाद मैंने जनवरी सेलेक्ट कर लेनी है, यहाँ मैंने 21, ठीक है। तो उसके बाद हमने नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद जो मैंने अकाउंट लगाया था अपना, ठीक है, जीमेल अकाउंट लगाया था, वहाँ हमें एक कोड प्रोवाइड होगा, वो हमने यहाँ QR कोड देना है, ठीक है। मैंने जीमेल को ओपन कर लिया, ओपन करने के बाद यहाँ हमें वो कोड प्रोवाइड होगा। तो दोस्तों हमारा कोड आ चुका है, ठीक है, हम इसे ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद यहाँ कोड जो होगा ये कोड रहा, ये अपने वहाँ जाके हम पेस्ट कर देंगे, ठीक है। यहाँ हमने ये कोड जो है वो पेस्ट कर देना है, उसके बाद नेक्स्ट कर देना है। नेक्स्ट करने से पहले हमने एक यहाँ टिक लगाना था, चलो कोई बात नहीं। लेकिन फाइनली हमारा जो अकाउंट का प्रोसीजर है वो मुकम्मल हो चुका है और हमारा अकाउंट क्रिएट होकर आ चुका है। देखिए क्रिएट अकाउंट, ठीक है, हमने चले जाना है बैक। बैक जाने के बाद हमारा अकाउंट जो है वो क्रिएट हो चुका है और आप इजीली जो है अपना लगा सकते हैं। मैं भी आपको दिखा देता हूँ। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।